بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته This is Naveed Akram from the platform of Titanium Agency I hope you are doing great viewers as you all people know from the platform of Titanium Agency aapko different societies ke regarding information provide ki jati hai aapko educate kiya jata hai real estate ke regarding ke kis society mein kis project mein kaun sa right time hai buying ka kaun sa right time hai selling ka कौन सी न्यू अपडेट्स डिफरेंट सोसाइटीज़ में जो है वो आई हैं कौन से न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मार्केट में लॉन्च किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उसके रिगार्डिंग जो है वो आपको अपडेट किया जाता है सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक किया करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी आने वाली अपडेट्स हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली बेसिस पर रिसीव होते रहें आज मैं आपसे शरकपुर रोड की काफ़ी फेमस सोसाइटी की अपडेट जो है वो शेयर करूँगा व्यूवर्स मैं बात कर रहा हूँ शादमान इनक्लेव की शादमान इनक्लेव है जैसा कि आप लोग सारे शादमान इनक्लेव को जानते होंगे सोसाइटी को सोसाइटी ने अपने प्रीवियस जो हैं ब्लॉक्स को डिलीवर किया अपने करंट ब्लॉक में जो है उनकी बुकिंग चल रही थी पैराडाइज ब्लॉक के अंदर लेकिन मैं अपडेट ये देना चाहूँगा आपको कि सोसाइटी ने पैराडाइज ब्लॉक की जो है वो बैलेटिंग कर दी है काफ़ी टाइम से जो है वो जो हमारे एंड यूज़र्स थे क्लाइंट्स थे उनको ये उनका कंसर्न था उनको काफ़ी वेट में थे कि सोसाइटी अपनी बैलेटिंग जो है वो कब करेगी क्योंकि सोसाइटी ने अराउंड 2 to 3 टाइम्स जो है वो बैलेटिंग अनाउंसमेंट की लेकिन फॉर सम रीजंस उन्होंने उसको डिले कर दिया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले ही जो है सोसाइटी ने अपनी बैलेटिंग कर दी है और जितने भी मेरे इन्वेस्टर्स या जो भी एंड यूज़र्स ने उनमें बुकिंग करवाई थी उस सोसाइटी में हमारे कहने पर अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है उनके प्लॉट नंबर अलॉट कर दिए गए हैं व्यूअर्स मेरा अपने काफ़ी इन्वेस्टर्स या जो मेरे एंड यूज़र खास करके उनसे काफ़ी कंसर्न ये होता है ओवर द कॉल जो हमारी डिस्कशन होती है उनमें मेरा फर्स्ट कंसर्न यही होता है कि जब भी आप किसी भी सोसाइटी में बाइंग करते हैं क्या उसका ग्राफ देखते हैं क्या उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हैं क्या वो सोसाइटी की अथेंटिसिटी को आप चेक करते हैं क्या वो सोसाइटी के जो डिवेलपर्स हैं उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री को चेक करते हैं मेरा मेजर कंसर्न ये होता है क्योंकि काफ़ी ऐसी सोसाइटीज़ मार्केट में जो हैं वो राइट नाउ अवेलेबल हैं जो जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है प्रीवियस बैकग्राउंड उनका जो है वो ठीक नहीं है काफ़ी ऐसे सोसाइटीज़ हैं जिनके काफ़ी केसेस भी चल रहे हैं लेकिन मेरा फर्स्ट कंसर्न ये होता है कि आप जब भी किसी भी सोसाइटी में बाइंग करें किसी भी प्रोजेक्ट में अब आपका बेसिक पर्पज़ वो खा इन्वेस्टमेंट हो या आपका बेसिक पर्पज़ जो है वो फॉर द सेक ऑफ योर रेजिडेंस हो सबसे पहले किसी भी सोसाइटी की बैकग्राउंड को चेक किया करें सोसाइटी की प्रीवियस हिस्ट्री को चेक किया करें सोसाइटी के एनओसीज को चेक किया करें सेकंड कंसर्न इज़ दैट के राइट नाउ शादमान इनक्लेव जिस रोड के ऊपर लोकेटेड है वो शरकपुर रोड है आप लोग बेहतर जानते होंगे आप लोग बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे फास्ट फ्रंटर चेंज जैसे ही आप एग्जिट करेंगे आपके लेफ्ट साइड पर सबसे फर्स्ट सोसाइटी जो है वो शादमान इनक्लेव ही लोकेटेड है उस रोड के ऊपर सबसे मिनिमम वैल्यू जो है प्लॉट की 5 मोहल्ला प्लॉट की जो है कि यूनिट नॉर्मल यूनिट होता है किसी भी क्लाइंट का या इन्वेस्टर का जिसमें बाइंग करते हैं 5 मोहल्ला यूनिट उसकी जो प्राइस रखी गई थी वो थी जो फर्स्ट इनका पेमेंट प्लान था उसमें थी 15 लाख रुपीज़ बाद में उसको इंक्रीज़ करके 17,50,000 कर दी गई राइट नाउ सोसाइटी ने अपनी बैलेटिंग करने के साथ ही अपना न्यू पेमेंट प्लान जो है उसको भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिसमें 5 मोहल्ला की जो प्लॉट की प्राइस रखी गई है वो 18 लाख रुपीज़ है मैं अभी भी अपने इन्वेस्टर्स को अपने एंड यूज़र्स को मुखातिब करना चाहूँगा कि अभी भी इसमें राइट टाइम है बाइंग का क्योंकि इसकी सराउंडिंग में अगर हम सोसाइटीज़ की बात करें तो सबसे मिनिमम कॉस्ट जो है आपको प्लॉट्स की वो शादमान इनक्लेव में ही है अलनूर की बात करें अलरहमान गार्डन फेज 7 की बात करें अलराजी गार्डन की बात करें अलकयूम गार्डन की बात करें उसके अलावा अलजलील गार्डन की बात करें इन तमाम में जो 5 मरला प्लॉट की अगर मैं मिनिमम प्राइस की बात करूं तो अराउंड आपको 20-21 लाख से स्टार्ट होकर अराउंड 25-27 लाख तक भी प्लॉट्स जो है प्लॉट्स जो कॉस्ट करते हैं राइट नाउ सोसाइटी ने अपना थर्ड पेमेंट प्लान इंट्रोड्यूस करवा दिया है इसमें भी इन्होंने अपने जितने भी हमारे जो गरीब तबका होता है या जो वो तबका होता है जो ईज़िली सैलरीड पर्सन जो होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं अराउंड 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक का बजट जिसमें वो अपनी प्लॉट की बुकिंग करवा सकते हैं जो उनकी एडवांस पेमेंट होती है वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तो सोसाइटी ने उन डायरेक्ट क्लाइंट्स को जो है या उन जो एरिया जो तबका होता है उसको डायरेक्ट टारगेट किया है शादमान इनक्लेव के जो प्रीवियस ब्लॉक्स हैं वहाँ पर अराउंड आपको ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं वो 5.5 लाख से लेकर अराउंड 6 लाख तक पर मरला रेट जो है वो कॉस्ट करते हैं
और जो पैराडाइज ब्लॉक है उसमें आपको 18 लाख रुपीस का 5 मरला कॉस्ट करता है। प्रीवियस बुकिंग की बात करें 17,50,000 का प्लॉट कॉस्ट करता है। अभी भी सोसाइटी में काफ़ी बूम आने वाला है, मार्केट जैसे ही एक हाइप क्रिएट होगी मार्केट रियल स्टेट की अभी भी काफ़ी ऊपर है। और जिस तरह इनकी बैलेटिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है, इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है, जैसे इनकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगी इसकी प्राइसेस अगेन रिवाइज्ड होगी। अभी भी इसमें काफ़ी इतना मतलब काफ़ी इसमें बूम अवेलेबल है जो कि इन्वेस्टर हजरात वहाँ से ईजिली अर्न कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप मेरे साथ उस पर रब्ता कर सकते हैं। इस सोसाइटी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, आप बुकिंग करवाना चाह रहे हों, या इसकी सराउंडिंग में किसी भी सोसाइटी के रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड सेम एज इट इज़ जो मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो मुझे वाया व्हाट्सएप IMO पे भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।